खरगोन बंदूक की नोक पर अपना खोप जमाने की नियत से अवैध हथियार खरीदने जिले के आए इंदौर के दो कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। सोमवार को SP सिद्धार्थ चौधरी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यगांत उर्फ कान्हा और शहजादा उर्फ अरशद दोनों निवासी इंदौर बाइक से जिले में हथियार खरीदने आए थे। उन्होंने सिग्नूर से 5 देसी पिस्टल खरीदे और लौट रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर खरगोन पुलिस ने जेतापुर के पास रात करीब 10 बजे चेकिंग लगाई। इसी दौरान बुलेट बाइक से पहुंचे दो युवक चेकिंग देखकर भागने लगे, जिनको पीछा कर पकड़ा गया। पकड़े गए दोनों आरोपी उज्जैन जिले के डॉन दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़े होकर इंदौर में दुर्लभ की तरह अपनी धौंस जमाने के लिए जिले के सिग्नूर में हथियार खरीदने आए थे। दोनों बाइक से जिले में पहुंचे थे, यह पिस्टल सिग्नूर के तूफान सिंह से खरीदना बताया। तूफान सिंह फिलहाल फरार है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अवैध हथियारों के संबंध में सूचनाएं मिली थी कल कोतवाली पुलिस को, जब रात को करीब 10 बजे के आसपास एक चेकिंग लगाई गई थी गोमावा से आने वाले रास्ते पे, और मुखबिर की सूचना के आधार पर दो लोगों को जो बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहे थे उनको रोक के तलाशी कर ली गई, तो उनके पास से 5 पिस्टल और 2 जिंदा राउंड मिले। और पूछताछ पे ज्ञात हुआ कि दोनों बदमाश जो हैं इंदौर के रहने वाले हैं, और उसमें से एक बदमाश थाना द्वारा तो पूरी के कख्यात बदमाश है जिसके खिलाफ कई लूट के मामले हैं। इसी प्रकार दूसरा बदमाश जो शहजादा वो अरशद है वो थाना देपालपुर का बदमाश है। दोनों बदमाशों के विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध हैं, और निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना को वारदात के रूप में घटित कर सकते थे, और इनके कुछ लोगों से झगड़े भी चल रहे हैं और लूट के भी ये आदि रहे हैं। इस संबंध में हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं, और ये एक कुख्यात गैंगस्टर था दुर्लभ कश्यप, उस गैंग का मेंबर रहा है और उसको फॉलो भी करता था, और उसी हलहुलिये में ये लोग रहते थे और नशे के भी आदि हैं, जो स्मैक और MD वगैरह के नशे करते थे। बदमाश गंभीर घटना खरीद कर सकते थे, उससे पहले ही थाना कोतवाली जो खरगोन के द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हैं उनको धर दबोचा। सर, बड़ी मात्रा में कार्रवाई हथियार इनके पास मिले, किस प्रकार से ये लोग कहीं बाहर कोई बड़े अंजाम देने थे? पूछताछ अभी इनके द्वारा जो वारदात के संबंध में की जा रही है, तो इनके कुछ लोगों से दुश्मनी है, अरशद के जो है उनके परिवार में ही जमीन संबंधी विवाद भी चल रहा है, और ये लूट के भी आरोपी रहे हैं। 3 लोगों के खिलाफ विजयनगर थाने में दर्ज है, तो गंभीर घटना इंदौर में ये घटित करते रहे, संभावना है कि इंदौर में कोई गंभीर घटना ये घटित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।